राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए के फंड को रोके जाने के विरोध में बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी नेताओं के साथ निगम के कर्मचारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि एमसीडी के 13,000 करोड़ का बकाया केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है। फंड नहीं मिलने की वजह से एमसीडी के कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली सरकार एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए रिलीज करे, यहां महिला कर्मचारी भी बैठी हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के पास इनसे बात करने के लिए वक्त नहीं है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक किसी भी प्रतिनिधि से मिलने की बात नहीं की, ना उनका कोई संदेश आया। ये इतनी असंवेदनशीलता दिल्ली के मुख्यमंत्री जो ये कहते हो कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, और वो मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लोगों की दर्द सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर हम ये कहें निगम पार्षद भी नहीं, तो एक नागरिक के तौर पर भी उनको बात सुननी चाहिए। उनके घर के दरवाजे पर हम लोग बैठे हैं, कोई टेंट नहीं लगाया है। दिल्ली नगर निगम सफाई व्यवस्था हो या पब्लिक हेल्थ की बात हो, उसके लिए काम करते हैं, और इस तरह दिल्ली नगर निगम को पैसा नहीं देना। दिल्ली सरकार जहां एक तरफ वो अपने प्रचार के लिए पैसा खर्च करते हैं, वो जल बोर्ड को 50,000 करोड़ रुपया पिछले 6 सालों में लोन दे देते हैं, लेकिन निगम को पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं देते। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निगम के कर्मचारियों का वेतन देना है, निगम के पदाधिकारियों का, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, सफाई कर्मचारियों का, सबको वेतन देना है। और जो पांचवें वित्त आयोग के आधार पे जो पैसा एमसीडी को, लोकल बॉडीज को दिल्ली में देना है, उस पर कुंडली मार के, फन काढ़ के बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, और उनके दरवाजे पे ये तमाम हमारे मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, पार्षदगण, महिलाएं, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंग रहे, वो यहीं से निकल के जाते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक जानकारी देने के लिए, अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, एमसीडी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बीजेपी के सांसद भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी देखिए ऋचा जी, ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है और भाजपा के मेयर हैं तीनों एमसीडी में, जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, हमारा पैसा रिलीज करें, जिससे कि नगर निगम विकास कार्य करा सके, उसके अलावा कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो रिलीज की जा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि नगर निगम की तरफ भी दिल्ली सरकार का पैसा बाकी है, जिसको लेकर बकायदा मनीष सिसोदिया ने कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता की थी। लेकिन अब जो धरना पॉलिटिक्स चल रही है कि लगातार भाजपा के मेयर हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे किसी कमेटी के चेयरमैन हो, वो सारे बैठे हुए हैं। और आज वहाँ भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी गए, मनोज तिवारी भी जा रहे हैं, गौतम गंभीर भी ट्वीट कर रहे हैं। तो लगातार भाजपा इस मामले में आम आदमी पार्टी को घेर रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। जी रीता जी, बिल्कुल। और लेकिन हम कह भी ये भी सकते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल किसान के पास जा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, तो जो कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऋचा जी, आप बात करने यहाँ से सिंधु बॉर्डर जा सकते हैं, किसानों की बात आप सुन सकते हैं, तो आपको सबसे पहले दिल्ली की समस्या पर भी ध्यान देना होगा। आप बात पूरे देश के किसानों की करेंगे तो दिल्ली के लोग भी आपसे पूछेंगे कि हमारी समस्या की बात कौन करेगा। तो आप अपने घर के बाहर निकलिए, जो बैठे हैं उनसे वार्ता कीजिए, आप उनका धरना पहले समाप्त कराइए, किसानों से बाद में बात कीजिए। और दिल्ली की जो व्यवस्था है, क्योंकि देखिए नगर निगम सफाई से लेकर कई व्यवस्थाओं को संभालता है, अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा, कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलेगा, तो वो हड़ताल करेंगे और दिल्ली की सफाई व्यवस्थाओं या अन्य व्यवस्थाएं उन पे फर्क पड़ेगा। तो निश्चित रूप से अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बैठ के बात करनी चाहिए, पैसा नगर निगम का हो चाहे दिल्ली सरकार का हो, लेकिन परेशानी दिल्ली के आम नागरिक को हो रही है, तो उसे दूर करने के लिए दोनों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। जी रिचा, तो प्रशांत जी, क्या अभी भी जो बीजेपी के सांसद है वो धरने पर बैठे हुए हैं और जो कर्मचारी है वो धरने पर बैठे हुए हैं?
देखिए कर्मचारी हैं और जो नगर निगम के पार्षद हैं, कमेटी चेयरमैन हैं और मेयर हैं, धरना वो दे रहे हैं। सांसद और दिल्ली के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता चाहे मनोज तिवारी, वो लोग रेंडमली वहां पहुंच रहे हैं और जाकर वहां लोगों से अपील कर रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रशांत जी, क्या इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से एमसीडी का जो वेतन रखा हुआ वो नहीं दिया गया है, इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है सीएम की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से? जी देखिए, सीएम की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों के बयान आए हैं, प्रवक्ताओं के बयान आए हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि भाजपा राजनीति कर रही है, दिल्ली के लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है, भाजपा को किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए और दिल्ली सरकार नगर निगम से पैसा मांगती है। जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करके बताया था कि उनका पैसा भी नगर निगम की तरफ बकाया है, तो निश्चित रूप से अब आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन परेशान इन दोनों की राजनीति के बीच में दिल्ली का आम नागरिक हो रहा है, तो इन दोनों को आपस में बैठना चाहिए, वो चाहे दिल्ली राज्य सरकार हो चाहे नगर निगम, और बैठ के मामले को सुलझाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए।